अस्सलाम वालेकुम। 1,050 रुपीज जस्ट असाइनमेंट राइटिंग का वर्क करके एक दिन में मैं अर्न कर चुका हूँ, जिसमें क्लाइंट ने मुझे इंग्लिश में ये पीडीएफ फाइल सेंड की है। उसने मुझे बताया है कि भी जो कुछ ये लिखा हुआ है आपने इसको हाथ से लिख कर देना है। जैसा कि ये देख सकते हैं, एक पेज मैंने ये आपके सामने शो करवाया हुआ है। वैसे मैंने ये असाइनमेंट ऑलरेडी कंप्लीट की हुई है। एक बात आपको याद रहे, ये जो वीडियो है ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है। आप पाकिस्तान में रहकर लोकली ये वर्क पकड़ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यूनिवर्सिटीज में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे के सारे लोग खुद अपना काम नहीं करते होते हैं। वो लोग एक, मैं आपको वेबसाइट बताने जा रहा हूँ, वहाँ पे जाकर अपना वर्क पोस्ट करते हैं, भी मुझे असाइनमेंट राइटिंग का वर्क करके दें। जिस टाइम ये काम कंप्लीट हो जाए आपने मुझे TCS करना है। आप उसके साथ डील डन कर लेंगे भी, मैं असाइनमेंट लेकर देने का 1,000 रुपया लूंगा या 2,500 लूंगा या 1,500 लूंगा। जिस टाइम आप ये असाइनमेंट का वर्क कंप्लीट कर लें आपने उसको ये वर्क TCS कर देना है। तो चलिए चलते हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर सीखते हैं किस तरह से आपने पाकिस्तान में रहकर असाइनमेंट राइटिंग का वर्क पकड़ना है। जी तो डियर फ्रेंड, अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जैसा कि ये देख सकते हैं, रिसेंटली मैंने ये असाइनमेंट राइटिंग का वर्क कंप्लीट करके क्लाइंट को सेंड किया है, जिसके मुझे 2,500 रिसीव हुए हैं। ये मैं आपको जस्ट एक पेज शो करवा रहा हूँ, वैसे 10-15 पेजेस थे जो मैंने हाथ से घर वालों से लिखवाए हैं और मैंने क्लाइंट को सेंड किया है, और मुझे 2,500 रुपीज़ की अर्निंग हुई है। क्लाइंट ने मुझे ये PDF में ये डाटा सेंड किया है। उसने मुझे बताया है कि भी ये जो कुछ लिखा हुआ है आपने इसको हाथ से लेकर देना है। एक बात आपको याद रहे, ये जो मैं अभी आपको असाइनमेंट राइटिंग का वर्क बताने जा रहा हूँ ये जस्ट पाकिस्तानियों के लिए है। आप पाकिस्तान में रहकर ये वर्क पकड़ सकते हैं। अगर आप बांग्लादेश या इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि ये वर्क आप जस्ट पाकिस्तान से ही हासिल कर सकती हैं। डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटीज होती हैं वहाँ पे लोगों को बहुत सारी असाइनमेंट्स मिलती हैं। बहुत सारे लोग बिजी होते हैं, वो अपना वर्क आकर एक वेबसाइट है वहाँ पर देते हैं। वो कहते हैं कि भी आप मुझे असाइनमेंट राइटिंग का वर्क करके दें, जिस टाइम आप सारा वर्क कंप्लीट कर लें फिर आपने मुझे इस एड्रेस पे वर्क TCS करना है। ठीक है भाई, आपने जिस टाइम असाइनमेंट का वर्क कंप्लीट कर लेना है आपने उसको TCS कर देना है और आपको पैसे दे जाएंगे। ठीक है, आसान सा काम है। बहुत से लोग घर बैठे ये लाख रुपीज अर्न कर रहे हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी असाइनमेंट मिलती हैं, तो लोग खुद काम नहीं करते, वो दूसरे लोग उसे असाइनमेंट लिखवाते हैं। तो इसलिए आपको इस तरह की PDF फाइल दी जाएगी, आपने वो PDF फाइल हाथ से लिखनी है, फिर आपने उस स्टूडेंट के एड्रेस पे TCS करनी है। वो आपको जैज कैश या इजी पैसा में पेमेंट सेंड कर देगा। अब हम बात करते हैं आपने कहाँ से इस तरह का वर्क पकड़ना है। सिंपली आपने गूगल पर आ जाना है। गूगल में आपने लिखना है OLX। डियर फ्रेंड, गूगल में मैंने OLX सर्च किया है, फर्स्ट वाला लिंक आ चुका है। आपने फर्स्ट वाला लिंक पे प्रेस करना है। अगर आप ये काम अपने मोबाइल फोन पे करना चाहते हैं तो मोबाइल फोन पे भी कर सकती हैं। जैसा कि ये देख सकते हैं डियर फ्रेंड, OLX की वेबसाइट मैंने ओपन कर दी है। इसके बाद मैं सबसे पहले आपको वर्क की डिमांड दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ असाइनमेंट। यहाँ पे मैंने सर्च किया है असाइनमेंट वर्क। तो डियर फ्रेंड, OLX पे मैंने असाइनमेंट वर्क सर्च किया है। जैसा कि यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे लोगों की एड हो चुकी हैं जो जो लोग असाइनमेंट वर्क करके देते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं 2,440 लोग असाइनमेंट राइटिंग की यहाँ पे ये सर्विसेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं डियर फ्रेंड, जितने भी ये लोग शो हो रहे हैं ये सारे के सारे लोग हाथ से टेक्स्ट लेकर देते हैं। यूनिवर्सिटी से जिन स्टूडेंट्स को असाइनमेंट मिलती हैं, जो लोग अपना काम खुद नहीं करना चाहते वो OLX पे आते हैं और यहाँ पे आकर इन लोगों को हायर करते हैं और इनको कहते हैं कि भी आप मुझे असाइनमेंट लेकर दें, मैं आपको इतने पैसे दूंगा। इस टाइम आप असाइनमेंट वर्क कंप्लीट करने, फिर आपने मुझे मेरे एड्रेस पर असाइनमेंट सेंड कर देनी है। फिर आपको TCS ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाकर आपने ये वर्क उस स्टूडेंट के एड्रेस पर डिलीवर कर देना है। ठीक है, ये देख सकते हैं जितने भी ये लोग शो रहे हैं ये सारे के सारे लोग असाइनमेंट राइटिंग का वर्क करते हैं। अब हम बात करते हैं आपने किस तरह से यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है और किस तरह से आपने भी इस तरह से यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करनी है। सिंपली यहाँ पे ये क्वेश्चन सेल, आपने सेल पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड, मैंने सेल पे प्रेस किया है तो यहाँ पे ये चार ऑप्शन छोड़ चुकी हैं, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फोन नंबर, कंटिन्यू विद ईमेल। तो सिंपली मैं कंटिन्यू विद गूगल पे प्रेस करता हूँ, मैं अपना OLX का अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। जैसा कि ये देख सकते हैं डियर फ्रेंड, यहाँ पे मेरी जीमेल शो हो चुकी है, यहाँ से मैं एक जीमेल सेट कर लेता हूँ। मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाए, OLX का मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मेरा OLX का अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। जैसा कि ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरी प्रोफाइल का लोगो शो हो रहा है। इसके बाद आपने सिंपली ऐसा करना है, यहाँ पे प्रेस करना है। ठीक है भाई, ये लिखा है व्यू एंड एडिट योर प्रोफाइल, आपने यहाँ पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड, व्यू एंड एडिट माई प्रोफाइल पे प्रेस किया तो अगर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना चाहें तो सिंपली आप अपलोड फोटो पे प्रेस करके पहले आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर लेंगे। डियर फ्रेंड, मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर दी है। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना फुल नेम टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। डेट ऑफ बर्थ मैंने टाइप कर दी है। इसके बाद आपने नीचे जाना है, यहाँ पे सेलेक्ट योर जेंडर, यहाँ पे आपने प्रेस करना। अगर आप मेल हैं तो मेल सेट करेंगे, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल सेट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना अबाउट लिखना है।
इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, अगर आप फोन नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे अगर आप फेसबुक कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, गूगल के अकाउंट ऑलरेडी हमने कनेक्ट किया हुआ है। इसके बाद आपने सेव चेंजेस पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड, सेव चेंजेस पे मैंने प्रेस किया है तो हमारी ये सेटिंग सेव हो चुकी है। डियर फ्रेंड, अकाउंट हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। अकाउंट के क्रिएट करने के बाद अब आपने यहाँ पे असाइनमेंट राइटिंग की एड क्रिएट करनी है। असाइनमेंट राइटिंग या हैंड राइटिंग वर्क की एड क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पे प्रेस करना है ये सेल, आपने सेल पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड, जो आप सेल पे प्रेस करेंगे यहाँ पे लिखा है चूज अ कैटेगरी, आप किस कैटेगरी की एड क्रिएट करना चाहते हैं। सिंपली आपने थोड़ा सा नीचे जाना है, यहाँ पे लिखा है जॉब, आपने जॉब पे प्रेस करना है। जॉब पे मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे जॉब की सब कैटेगरीज शो हो चुकी हैं। आपने थोड़ा सा नीचे जाना है, यहाँ पे लिखा है एजुकेशन, आपने एजुकेशन पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड, एजुकेशन पे मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे एड का टाइटल मांग रहा है, तो सिंपली यहाँ पे मैं अपनी एड का टाइटल लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है आई विल डू हैंड राइटिंग असाइनमेंट जॉब फॉर यू, ठीक है भाई, ऐड का टाइटल मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे आपने ऐड की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो सिंपली यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया है। डिस्क्रिप्शन के लिखने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है, यहाँ पे अक्षर है कंपनी, इसके नीचे तीन ऑप्शन छोड़ दिया, आपने यहाँ से ये वाला दरमियान वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मिड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपने कंपनी का नेम लिखना है, सपोज कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आईटी ट्रेनिंग। इसके बाद यहाँ पे है टाइप ऑफ एड, ठीक है भाई, एड की कौन सी टाइप है, जॉब फाइंड कर रहे हैं या जॉब ऑफर कर रहे हैं, तो हम भी यहाँ पे जॉब फाइंड कर रहे हैं तो सिंपली मैं यहाँ से ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे नीचे कुछ रहा सैलरी भी, असाइनमेंट राइटिंग का वर्क करके देने का आप कितना पैसे लेंगे, सपोज के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1500 रुपीज, ठीक है भाई, 1500 से लेकर 2000 तक। यहाँ पे मैंने अपनी प्राइस ऐड कर दी है भी, असाइनमेंट राइटिंग का वर्क करके देने के मैं 1500 से लेकर 2000 रुपीज लूंगा। इसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है, यहाँ पे कैरियर लेवल, ठीक है, आपने यहाँ से एग्जेक्टिव सेलेक्ट करना भी, मुझे एक्सपीरियंस है हैंड राइटिंग का। इसके बाद यहाँ पे है सैलरी पीरियड, सैलरी पीरियड में पूछ रहा है भी घंटे के पैसे लेंगे या वीकली पैसे लेंगे या अंतली पैसे लेंगे या मंथली पैसे लेंगे, तो यहाँ पे मैं वीकली सेट करता हूँ, जस्ट मैं आपका काम कंप्लीट कर लूंगा फिर मैं आपसे पैसे ले लूंगा। इसके बाद है पोजीशन टाइप, फुल टाइम आप वर्क करेंगे, पार्ट टाइम वर्क करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट या टेम्परेरी, तो यहाँ पे मैं फुल टाइम सेट कर लेता हूँ, ठीक है भाई। इतना काम करने के बाद आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपने अपना सैंपल वर्क अपलोड करना है। सिंपली यहाँ पे कैमरे का आइकन शो है, यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ, मेरे पास कुछ फोटोज पड़े हुए हैं, मैं वो फोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है भाई। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे एक फोटो पड़ा हुआ है। इस तरह आपने यहाँ से 10-12 फोटो एज अ सैंपल लोगों को अपनी राइटिंग शो करवानी है भी, मेरी राइटिंग इस तरह की है। एक फोटो आपने मैथ के असाइनमेंट का अपलोड करना है, एक फोटो आपने केमिस्ट्री के असाइनमेंट का अपलोड करना है, एक फोटो आपने इंग्लिश के असाइनमेंट का अपलोड करना है, इस तरह डिफरेंट यहाँ पे आपने फोटोज अपलोड कर देने हैं। फिलहाल आपको समझाने के लिए मेरे पास एक फोटो पड़ा हुआ था, मैंने एक फोटो यहाँ पे अपलोड कर दिया है। इसके बाद नीचे आना है आपने, यहाँ पे कुछ योर एड लोकेशन, सिंपली यहाँ पे आपने प्रेस करना है, यहाँ से आपने अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है। मेरी लोकेशन है बावलपुर, सिंपली यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ बावलपुर। इसके बाद यहाँ पे टाउन पूछ रहा है, यहाँ से मैं मुस्लिम टाउन सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है भाई। इतना काम करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना फोन नंबर टाइप करना है, सिंपली यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मैं अपना फोन नंबर भी टाइप कर देता हूँ। डियर फ्रेंड, मैंने अपना फोन नंबर ऐड कर दिया। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे प्रेस करना है, नेक्स्ट पे प्रेस किया तो मेरे फोन नंबर पे वेरिफिकेशन कोड आएगा, वही वेरिफिकेशन कोड आपने यहाँ पे टाइप करना है। डियर फ्रेंड, कोड मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है, जैसा कि ये देख सकते हैं मेरा फोन नंबर वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद नीचे जो है पोस्ट नो, आपने पोस्ट नो पे प्रेस करना है। जी तो डियर फ्रेंड, मैंने पोस्ट नो पे प्रेस किया तो हमारी एड लाइव हो चुकी है। यहाँ पे कुछ योर एड हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है भाई। इसके बाद यहाँ पे ये नीचे कुछ एग्जाम्पलें शो हो रही हैं, अगर आप अपनी एड को जल्दी प्रमोट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये कह रहा है भी हमें 1700 रुपीज दो, हम आपको वर्क दिलवा कर दे सकते हैं। इनको आपने स्किप करना है, सिंपली यहाँ पे लिखा है स्किप व्यू यूअर एड, आपने यहाँ पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड, मैंने व्यू यूअर एड पे प्रेस किया है तो कुछ इस तरह से हमारे सामने इनकी कुछ टर्म्स शो हो चुकी हैं, तो सिंपली आपने ऐसा करना है, एग्री पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड, मैंने एग्री पे प्रेस किया तो हमारी एड सक्सेसफुली OLX पे लाइव हो चुकी है। यहाँ पे ये देख सकते हैं इस तरह से मेरा ये फोटो शो हो रहा है, यहाँ पे व्यूज शो हो रहे हैं, कितने लोगों ने आपकी ऐड को देखा है। यहाँ पे टेलीफोन का आइकॉन शो हो रहा है भी, कितने लोगों ने आपको कॉल किया, कितने लोगों ने चैट किया, कितने लोगों ने आपकी ऐड को लाइक किया है, सारी डिटेल यहाँ पे शो हो चुकी है। तो सिंपली अपनी ऐड को देखने के लिए आपने अपनी प्रोफाइल पे जाना है, यहाँ पे फिर माई एड आपने यहाँ पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड, माई एड पे प्रेस किया तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरी एड शो हो चुकी है जो कि एक्टिव है, ठीक है भाई। यहाँ पे लिखा है दिस एड करंटली लाइव, ये लाइव हो चुकी है, ये पूरे पाकिस्तान में हमारी एड शो हो रही होगी। जिन स्टूडेंट्स को असाइनमेंट राइटिंग वर्क की जरूरत होगी वो मुझे कॉल करेंगे या OLX पे मैसेज करेंगे, मैं इनको रिप्लाई करूंगा भी जी मैं आपका वर्क करके दे सकता हूँ। वो मुझे PDF में व्हाट्सएप पे फाइल सेंड करेगा,
उसके साथ मैं पैसे डाउन कर लूंगा, मैं उसका असाइनमेंट का वर्क कंप्लीट करके उसको टीचर्स कर दूंगा और वो मेरे इजी पैसा या जैज कैश अकाउंट में पैसे डिलीवर कर देगा। तो डियर फ्रेंड, यही मेथड यूज करके मेरे बहुत सारे फ्रेंड घर बैठे हजारों रुपीज की अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। आप भी ये काम करें, इंशाल्लाह आपको वर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, अब तक ले अल्लाह हाफिज़।